हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेवानी ई क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, अपन ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है बोट एंड स्ट्रीम को, ठीक है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एलजेब्रा यानी बीज गणित। एलजेब्रा बीज गणित आज इसकी फर्स्ट क्लास है। कुछ छोटी छोटी आइडेंटिटीज है जो बताऊंगा मैं आपको, और बहुत ही अच्छे वे में पढ़ेंगे अपन इसको। जीरो से स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा को और हाई लेवल तक एलजेब्रा को लेकर अपन चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलजेब्रा में सबसे जो बेसिक जो एक आइडेंटिटी होती है वो सभी को पता होगी, है ना। मैं ये मानता हूं सबको पता होगी और मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। देखिए क्या है, सभी को पता होगा कि ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एट क्लास में सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। देखिए क्या होता है कि ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है प्लस में, और टू ए बी होता है, याद है सबको, ठीक है। एक ये पढ़ी होगी इसी की छोटी बहन माइनस वाली, क्या होता है, ये ए स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर वैसा का वैसा रहता है, बस यहां पे माइनस का टू ए बी आ जाता है, याद है सबको। देखिए अब यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है, क्या निकल के आता है कि अगर मैं इन दोनों आइडेंटिटीज को जोड़कर एक तीसरी आइडेंटिटी बनाऊं तो क्या निकलेगा। देखिए अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, मैं जोड़ रहा हूं तो देखिए 2ab से 2ab तो कट जाएगा, प्लस माइनस इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा कि एक तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आने वाला है, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से एक निकलता है कि अगर मैं यहां पर इस तरह से दिखा दूं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर दो। तो आपसे ये बताने का मेरा क्या मतलब है कि जब भी क्वेश्चंस में देखो ऐसा दे देता है एग्जाम में कि ए और बी की जगह वो कोई भी बड़ा सा नंबर दे देगा आपको, एक बड़ा नंबर दे दिया ए की जगह, एक बड़ा नंबर दे दिया बी की जगह, और इस फॉर्मेट में दे दिया, तो आप इसको क्या सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, सीधा दो लिखेंगे, क्योंकि देखो आंसर जो डिपेंड कर रहा है वो ए और बी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अकेला खुद ही दो है। मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा और यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपॉन में ले आया, बचा दो, यानी यहां से क्या निकल रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए हमेशा आंसर टू होगा। कैसे होगा देखिए मैं बताता हूं, एग्जाम्पल ले लेंगे अपन, यहीं पर ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, एग्जाम्पल देखो मैं बताता हूं आपको, कोई भी बड़ी संख्या ले लो, एक तो ए ले लो, मैंने ले लिया 117 + 43, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 117 - 43 का होल स्क्वायर अपॉन 117 का होल स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर, मतलब 117 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एग्जाम में आ गया कि इसकी वैल्यू बताओ, ए बी सी डी ऑप्शन दे दिए, और ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन दे दिया कि 4, दूसरा दे दिया माइनस का 3, तीसरा दे दिया 2, और डी दे दिया आपको 1, तो क्या आंसर लगाएंगे आप। देखिए इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे क्या, कई बच्चे बैठ भी सकते हैं, लेकिन नहीं भैया, देखो ये अपना क्या फॉर्मेट बन रहा है, फॉर्मेट बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आंसर क्या होता है, आंसर दो होता है, अब ये बताया आपको मैंने, और वो कहां से आया था, इन दोनों जो मेन जो बेसिक आइडेंटिटीज है इनको जोड़ने पर आया था, ठीक है। तो यानी आप समझ गए कि इस तरह का कोई क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट आप दो लिखेंगे आंसर में, करके नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दो यही दोनों आइडेंटिटीज रहेगी अपनी, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इससे अपन इतनी सी छेड़छाड़ करेंगे कि इस प्लस को हटा के माइनस कर देंगे ताकि कुछ नया निकल के आए। यहां पे मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है भैया, लगा दिया। अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, अब ये बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, देखिए माइनस में क्या होता है कि माइनस में जो ये साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ए से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, टू ए बी प्लस टू ए बी, फोर ए बी,
ठीक है यहां तक। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में अगर आपको ए बी की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप आंसर करेंगे 4। देखिए प्लस वाली में क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। ठीक है, अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो क्या आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है। एग्जाम्पल ले लो, एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लो, देखो एग्जाम्पल आ गया आपके पास 999 प्लस 143 का होल स्क्वायर माइनस 999 माइनस 143 का होल स्क्वायर अपॉन 999 इंटू 143, क्या आएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं 4, 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस का 1 और 4 दे रखा है 1, इनमें से क्या आएगा। स्टूडेंट की हवा टाइट हो जाएगी वहां पर, पसीना पसीना कि भैया कैसे करूं, इसको इसमें जोड़ूं फिर होल स्क्वायर निकालूं, इसको इसमें जोड़ूं फिर उसका स्क्वायर निकालूं, इसको गुणा करूं, क्या आएगा। अरे भाई क्या दिक्कत है इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab तो है, इसका आंसर 4 नहीं आएगा क्या, फिक्स है ना, डिपेंड कर रहा है कि a और b की वैल्यू पर, नहीं कर रहा है। तो क्या समझ में आया आपको, देखो आपको क्या समझ में आया होगा, नए पेज पे लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो मैंने आपको दो आइडेंटिटीज बताई है ना, आप सब भूल जाओ जो मैंने बताया, देखो बस ये दो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, एक ये और एक ये, क्या याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस अगर प्लस आ जाए और a माइनस बी का होल स्क्वायर दे दे अपॉन में इस फॉर्म में दे दे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो आंसर हमेशा 2 होगा, क्लियर। और अगर दे दे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी की फॉर्म में दे दे, कोई भी संख्या हो कोई भी नंबर हो सकता है, इसकी आंसर आएगा 4। क्या आपको ये दोनों समझ में आ गई, मैंने ये भी बता दिया आपको कहां से आया ये, कहां से डराइव हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ जाए तो 2 आंसर है, इस फॉर्म में आ जाए तो 4 आंसर है, दोनों के एक एक एग्जाम्पल ही बता दिए, आगे और करेंगे अपन बढ़िया तरीके से। अभी आप कंसेप्ट देखिए, ठीक है, अब इसके बाद एक कंसेप्ट इसी से निकल के आएगा, देखो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन बन के आया था एग्जाम में, बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन, क्या बन के आ जाता है, अगर x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बताइए, ऐसा बन के आ जाता है तो क्या होगा, लगा सकते हैं दिमाग क्या होगा। देखिए इसका मतलब मैं कुछ समझ पा रहा हूं, मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये अगर a मानूं इसको b मानूं तो उस वाली फंक्शन में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a है ये b है तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं ये करना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि मैं इसका अगर स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो कुछ ऐसा मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा, तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है x स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2a क्या है x है, b क्या है 1 अपॉन x है, बराबर में 2 2 4 हो जाएगा, है ना, यही होगा, मैंने बस इसका स्क्वायर किया है तो क्या होगा। देखो अब x से x तो कट गया, कट गया तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, क्या इसी की वैल्यू पूछ रहा है, ये देखो बराबर 4 में से 2 गया तो 2 आंसर आ गया, क्या अपन एग्जाम में भी ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो अपन को एक चीज अपन ने देखी कि यहां पर ये a और b कट गया आपस में, जब ये सेम थे यहां पर और यहां पर, जब नंबर सेम होता है तो ये कट जाता है, और यहां पर क्या था, यहां पे मैंने मान लिया ये p था, कोई भी संख्या p है यहां पे, है ना, तो यहां पर अपन को क्या करना पड़ा, देखो p का ये स्क्वायर लग रहा है आपको, 2 का अपन स्क्वायर करे थे तो p स्क्वायर हो गया, माइनस में यहां पर क्या आया, घट के आया ना, ये माइनस में 2 घटाना पड़ा, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर यहां पर और यहां पर संख्या सेम आ जाए और x प्लस 1 यानी x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर अपन को, सॉरी क्या दे रखा हो, x प्लस 1 अपॉन x दे रखा हो और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर पूछ रहा हो, तो मैं सीधा p स्क्वायर माइनस 2 कर सकता हूं क्या, कैसे कर सकता हूं। देखो अब देखो मैंने आपको बता दिया कि ये हुआ कैसे, याद नहीं आए तो दोनों को स्क्वायर कर दो इधर और इधर, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन देखिए तुरंत कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे बिठाएंगे, मैं बताता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू p, एक बेसिक फॉर्म बना दी मैंने, और अपन से बोल रहा है कि x स्क्वायर
प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट दिमाग लगाएंगे कि p का तो स्क्वायर कर देता हूं और माइनस टू कर देता हूं, बस निकल कर आ जाएगा, इसका मतलब निकल कर आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। एक और इसका क्वेश्चन ले ले। देखो क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि यहां पर मैंने मान लिया 5x प्लस 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू 25, और अपन से पूछ रहा है यहां पर 25x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि देखिए ये इसको फॉर्म को मानो x, ये हो गया 1 अपॉन x, सॉरी यहां स्क्वायर गलत लगा दिया मैंने, है ना, 5x प्लस 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू 25 दे रखा है अपन को, 25x स्क्वायर, यानी आप देख रहे हैं ना ये x है और ये 1 अपॉन x है, इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट करेंगे ये p है तो इसका स्क्वायर करो 25 का स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे, 2 कितना आएगा 625 माइनस 2 यानी 623 आंसर आएगा, कैसा रहेगा, कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये अभी सेम वाला बता रहा हूं मैं आपको, जब यहां पर भी सेम हो यहां पर भी सेम हो, ठीक है। तो 5x प्लस 1 अपॉन 5x का क्या आ गया, 25x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 25x स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, 643 आ गया, 623 आ गया, कैसे आया, p स्क्वायर माइनस 2 करने से। और एग्जांपल देखते हैं, देखिए मजा आ जाएगा, पूरी अलजेब्रा जब अपन खत्म कर रहे होंगे ना लास्ट की, जब वीडियोस चल रहे होंगे तब आप समझ जाओगे कि भाई क्या लेवल लेके चले हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। अब देखो मैं कुछ हाथ से लिख के आया था क्वेश्चंस, देखिए सबसे पहले मैंने जो आपको वो एक चीज बताई थी उस पर एक क्वेश्चन देखो, 174 प्लस 32 का होल स्क्वायर प्लस 174 माइनस 32 का होल स्क्वायर अपॉन 174 का स्क्वायर और प्लस 32 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, लगा सकते हो दिमाग क्या आंसर आएगा, सॉल्व करोगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, आंसर तो दो होता है, अभी पहले बताया था मैंने आपको, याद करो बताया था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, कि 493 प्लस 203 का होल स्क्वायर माइनस 493 माइनस 203 का होल स्क्वायर अपॉन 493 इंटू 203, आंसर क्या होगा, क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस का चिन्ह है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या है, a भी है, तो आंसर में 4 हो जाएगा, क्लियर है, कर लोगे सारे क्वेश्चन ऐसे। चलो अब देखो आगे देखते हैं, लो x 1 अपॉन x बराबर 5, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 5 का स्क्वायर कर दो माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 25 माइनस 2 23, सही है। देखिए क्या हो रहा है, ये केवल ऐसे हो रहा है, p स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है बस, लेकिन जब ये सेम है, मान लो यहां पर अब आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, अभी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा है आपको, है ना। चलो अब देखो क्या है, अब क्वेश्चन दे रखा है एक बिल्कुल सिंपल है, 1 अपॉन x की घात 6 बराबर दे रखा है अपन को माइनस का 1, पूछ रहा है अपन से कि x की घात 12 प्लस 1 अपॉन x की घात 12 क्या होगा, कुछ फील आ रहा है कि अगर इन संख्याओं का मैं स्क्वायर करता हूं तो 6 की घात अगर 2 करूंगा, मतलब x की घात 6 की घात 2 करूंगा तो x की घात 12 आ जाएगा, यानी ये फॉर्म बन जाएगा, यानी वही चीज है, x प्लस 1 अपॉन x का अगर बराबर में कुछ संख्या दी हुई होती है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, p स्क्वायर माइनस 2 करके, तो इसमें p क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 कर दो, कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। यानी x की घात 12 प्लस 1 अपॉन x की घात 12 का आंसर केवल और केवल माइनस 1 निकल के आ जाएगा, क्लियर हो रहा है, होगा क्लियर, आराम से होगा क्लियर, देखते जाइए आप।
क्या था इसमें, स्क्वायर तो था। अब देखो आगे क्वेश्चन आ रहा है, x की घात 7 प्लस 1 अपॉन x की घात 7 बराबर दे रखा है 3, और पूछ रहा है x की घात 14 प्लस 1 अपॉन x की घात 14 क्या होगा। वही फील आई आपको, क्वेश्चन को देखते ही फील आ गया कि 7 की घात अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो x की घात 14 बन जाता है, x की घात 7 का स्क्वायर करूंगा तो x की घात 14 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 है इसका स्क्वायर करो माइनस 2 करो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 में से 2 कर 7, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 7, ठीक है, पूछ रहा है अपन से x की घात 4 प्लस 1 अपॉन x की घात 4 क्या होगा, दिख रहा है आपको साफ साफ, कर लोगे कैसे होगा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, इस अंडर रूट से यहां तक कैसे पहुंचोगे, सबसे पहले आप ये दिमाग लगाओ कैसे पहुंचेंगे। देखिए सबसे पहले अगर अंडर रूट का मैं स्क्वायर करता हूं तो अंडर रूट हट जाता है, हट जाता है, तो देखो अगर मैं इस चीज का स्क्वायर करूंगा, इस चीज का अगर स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी अगर मैं इस पे वही वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि इसका तो मैं स्क्वायर करूंगा, ये पी है ना, पी स्क्वायर माइनस 2 करूंगा, यानी ये मिल जाएगा मुझे, तो कितना मिल गया, ये मिल गया 7 माइनस 2 5, क्या बोलते हो, ठीक बोल, सही है, सही बोल, लिख रहा हूं मैं। अब देखो अब इससे मुझे अभी 4 तक जाना है, सफर अभी लंबा है, तो x प्लस 1 अपॉन x को मैं पहले इसका स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर किया है तो इसके बराबर में 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर दूंगा, आ रहा समझ में, आ रहा होगा, 25 में से 2 गया तो 23, अब यहां तक हो गया, अपन को तो वहां जाना है ना, ये 2 घात है, अब 4 घात पे जाएंगे तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x की घात 4 प्लस 1 अपॉन x की घात 4 बराबर में क्या हो जाएगा, 23 का स्क्वायर होता है 529 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 527 नहीं हो जाएगा क्या, यानी आंसर 527 हो जाएगा, आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है। तो अंडर रूट से पहले मैं यहां आया, यहां से मैं स्क्वायर पे गया, अब यहां से मैं स्क्वायर से 4 की घात पे आ गया, मान लो अपन से पूछ ले x की घात 8 का बताइए, x की घात 8 का बताओगे तो वही कर लेना, 527 का स्क्वायर करके माइनस 2 करना होगा, ठीक है, इस तरह से गाड़ी आगे चलती जाएगी। अब देखते हैं आगे अपना क्या है, देखिए आगे भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये सारे मैंने हाथ से बनाए हुए क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं आज यहां पे क्वेश्चन नहीं लगवा रहा, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूं, 3x 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 5, पूछ रहा है 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर, निकाल लोगे आराम से, साफ दिख रहा है कि यहां पर गाड़ी सेम है, यहां पर सेम है, यानी अगर मैं 2ab करूंगा तो a से b आपस में कट जाएगा, तो देखो असली में क्या होता है, असली में अगर मैं इसको निकालता हूं ना 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर, इसका होता क्या है कि p स्क्वायर माइनस 2ab होता है, होता तो ये है ना, पर अब यहां पर अपन क्या करते हैं कि a और b की जगह जब इसकी वैल्यू रखेंगे ना अपन तो 3x इंटू 1 अपॉन 3x तो ये कट जाता है, आपस में एक बच जाता है, तो इसलिए अपन इसको दिखाते नहीं है कि p स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन जब भी अगर यहां पर जो नंबर है ना वो अलग अलग आ गया, यहां पर कोई डिजिट दूसरी आ गई तो अपन 2ab को दिखाएंगे, ठीक है, अपन यहां पर नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि काम ही नहीं होता, कट जाता है वो, तो p स्क्वायर माइनस 2 करना होता है, बस इतना सा करना होता है, तो कर लो p स्क्वायर माइनस 2, तो p क्या है यहां पे अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3, कैसा लगा, हो गया ना, क्योंकि देखो फील आ रहा है कि 3x का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो p स्क्वायर माइनस 2 कर दिया, 3 आंसर आ गया, आ गया आंसर। अब देखते हैं आगे, अब क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, उसको करना आप, फील आएगा देखना आपको अब कि अब आ गई भाई असली एलजेब्रा चालू हो गया। देखो क्या कह रहा है कि 3x प्लस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क नहीं, इसके आगे वो पूछ रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4
एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। अब देखो बात तो वही है कि ये एक्स है, यहां पर उसका स्क्वायर हो रहा है, ये वन अपॉन एक्स है, इसका यहां पर स्क्वायर हो रहा है, लेकिन इस बार ए और बी की, ए और ए उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है, यानी यहां पर और यहां पर संख्या अलग है। तो अब अपन इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसको, ए और बी को कैसे करवाएंगे, देखो 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 3x है, बी क्या है 1 अपॉन 2x है, ठीक है क्लियर हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो x से तो x गया, इस 2 से ये 2 गया, बचेगा क्या 3, तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस बचेगा 3, तो बचेगा आंसर इसका 4। तो 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर का आंसर आ गया है 4। समझ में आया कि पहले अपन कर रहे थे p स्क्वायर माइनस 2, लेकिन अब किया है p स्क्वायर माइनस 2ab, क्यों किया दोबारा बताने की जरूरत है क्या? अरे देखो क्या होता है कि अगर मैंने मान लो 1 अपॉन x है प्लस ये x प्लस 1 अपॉन x है, ठीक है, बराबर में कोई भी संख्या a दी हुई है, a या चलो p ले रहे हैं तो अपन p ही लेते चलते हैं ना। अब अगर अपन को इसका स्क्वायर करना है, फाइंड क्या करना है, x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, कर दिया चलो ये लो, तो क्या होता है x स्क्वायर होता है 1 अपॉन x स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है ना 2ab, तो 2ab 1 अपॉन x होता है, बराबर में p स्क्वायर है ही। तो देखो अगर अपन को इसकी वैल्यू फाउंड करनी होती है तो क्या करते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2ab इस तरह से रखते हैं, लेकिन इस केस में तो x से x कट जाता है, लेकिन अगर जब अलग अलग होगा तो आपको लिखना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी उड़ा दोगे, यहां पे लिखेंगे उसी तरीके से अपन ने यहां पे लिखा, ये तो था ये x था, ये 1 अपॉन x था, तो इसलिए x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 आंसर आ गया। आएगा आपको समझ में, धीरे धीरे आएगा, और उम्मीद कर रहा हूं कि आ भी रहा होगा कई सारे बच्चों को, है ना। देखो अब देखते हैं आगे का केस, आ गया बढ़िया क्वेश्चन, ये लो x प्लस 1 अपॉन 2 रूट x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो फाइंड क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर की वैल्यू फाउंड करनी है। आ गया मजा, क्वेश्चन देख के मजा आ गया होगा, आ गया ना मजा, देखो अंडर रूट x से स्क्वायर तक जाना है, ये तो समझ में आ रहा है, 2 से 16 तक जाना है, तो देखो अपन स्टेप बाय स्टेप इसको आगे लेकर चलेंगे, लेकर चलते हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि स्क्वायर तक जाना है, तो पहले अंडर रूट से सिंपल वाली वैल्यू में आओगे, फिर सिंपल वाली वैल्यू से स्क्वायर वाली वैल्यू पे आओगे, है ना। तो देखो सबसे पहले x प्लस 1 अपॉन x निकालेंगे अपन, यानी इसका स्क्वायर किया हुआ कहीं ना कहीं, तो आंसर आ जाएगा p स्क्वायर, तो ऐसे कैसे रखो माइनस 2, क्या केवल 2 नहीं, a और b अलग अलग है, तो अंडर रूट x को भी दिखाना पड़ेगा आपको यहां पर, और b को भी दिखाना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन 2 रूट x को भी आपको दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, अंडर रूट x से तो अंडर रूट x कट जाएगा, इस 2 से 2ab, हाँ ये लो ये भी कट गया, तो बचा क्या, इधर बच गया 3, इधर बच गया 1, 3 में से 1 गया तो 2 यही बचेगा, ठीक है। तो वैल्यू किसकी निकल के आई है, ये वैल्यू निकल के आई है x प्लस 1 अपॉन x की, इसके आगे बढ़ो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहां पर क्या है अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x, यानी यहां पर किसकी वैल्यू निकल के आई है, यहां पे निकल के आई है x प्लस 1 अपॉन 4x की, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर किया होगा तो 2 दूनी 4x आएगा ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर आएगा ना, अब ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, अब अपन करेंगे p की तो वैल्यू ये है, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है इस बार x है, और b क्या है 1 अपॉन 4x है, समझ में आ रहा है। अरे देखो अंडर रूट x प्लस 1 अपॉन 2 रूट x था, इसका स्क्वायर करोगे तो यहां से x हो जाएगा, यहां से 1 अपॉन 4x हो जाएगा, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा होगा। तो मैंने p स्क्वायर माइनस 2ab तो किया है, 2 a ये था b ये था, आंसर आ गया 3 माइनस 2 से 2 कट गया, अंडर रूट x अंडर रूट x 1 2 बच गया। अब यहां पर जो आया इसका स्क्वायर करो, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर, क्या वही पूछ रहा है, अपन पहुंच गए मंजिल तक, बस अपन इसको अपन को हल करना है, उसके बाद हो जाएगा। x से x कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, कितना आ गया 2 दूना 4 माइनस 1 बटा 2 कितना आ जाएगा,
चार दूना आठ, आठ में से एक गया तो 9/2, सही है। तो 9/2 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्लियर है। यानी इस सवाल को अपन कहां तक लेके गए, यहां तक लेके गए। क्या अपन इसको स्क्वायर करते करते लेकर आ सकते थे? नहीं, पी स्क्वायर माइनस 2 ए भी किया, यहां पर पी स्क्वायर माइनस 2 ए भी किया, आंसर 9/2 निकल के आ गया, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। आ गया, देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन भी कर लो। 1/3x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, निकालना है 25x² प्लस 1/9x² आ रहा है कुछ दिमाग में? आ रहा है, हाँ भैया आ रहा है कि ये x है, ये 1/x है, इसका स्क्वायर तो पूछ रहा है, 5 25 और 3 3 9, क्या इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है x a और b को? हाँ है, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है। तो देखो ये 25x² प्लस 1/9x² वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो p है, यानी p का तो स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ए तो है 5x, b कितना है 1/3x। आ रही है ना फील? अब तो मजा आने लग गया होगा। देखो इस x से मैं इस x को काट सकता हूं, काट सकता हूं, बचा क्या? इधर तो 3 माइनस 5 2 10 10/3 कितना आ गया? 9 - 10 यानी कि माइनस का 1/3। आया मजा? क्या आंसर आया इसका? आंसर अपना आया -1/3 पी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। चलो अब देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। हां बहुत बढ़िया, देखो क्या क्वेश्चन है। एक्स प्लस 1/3x इज इक्वल टू 2, पूछ रहा है अपन से 9x² प्लस 1/x². हाँ अब कैसे करोगे बताओ? अब अगर आप ये देख पा रहे हो, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इस टॉपिक का। अच्छा क्वेश्चन कैसे है? देखो यहां पर आपको फील आ रहा है कि x प्लस 1/3x है, तो यार स्क्वायर करूंगा तो यहां पर तो x² आना चाहिए था ना मात्र, ये 9 कहां से आ रहा है? और यहां पर 9x² आना चाहिए था, ये x² कैसे आ रहा है? गड़बड़ तो नहीं है क्वेश्चन में? नहीं है, क्वेश्चन सही है। तो कैसे होगा भैया ये सवाल? देखो सवाल ये होगा कि मुझे कुछ ना कुछ करके यहां पर 3 लाना पड़ेगा, तभी तो जाके यहां 9 होगा। अगर यहां पर मैं 3 ले आऊं तो वहां 9 हो जाएगा ना स्क्वायर करने पर। तो यहां पर 3 लाने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। क्या कदम उठाऊंगा? मैं बोलूंगा तुमको मैं इधर से भी 3 से गुणा कर रहा हूं और इधर से भी 3 से गुणा कर रहा हूं, बुरा मत मानना। का क्यों मानेंगे भैया? 3 से 3 हमारा कट जाएगा, हम बुरा नहीं मानेंगे, है ना? पर भाई ये तो बुरा नहीं मानेंगे, अपना उल्लू तो सीधा हो गया ना। कैसे हो गया? देखो इसको मल्टीप्लाई करो 3x आ गया, प्लस इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/x आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अब आप देखो कि अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, हाँ जी होता है, इस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर भी होता है। अब इस फॉर्म में आप निकाल सकते हो आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 9x² प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी p का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 3x, b कितना है 1/x, x से x तो चलता बना, 6 6 36 माइनस 3 2 6 तो 30 आंसर आ गया क्या दोस्तों? क्या बोलते हो, मजा आ गया इस क्वेश्चन में? कि भैया देखो हमको तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा था कि यार यहां पर x, यहां पर तो 9 कैसे आएगा, ये तो गलत लिख दिया। नहीं यार एक क्वेश्चन सीधा कर दिया मैंने और फिर इसको आंसर निकाल दिया, अब आ गया मजा। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आते ही रहते हैं, रेलवे और SSC का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्वेश्चन बनाओ जो क्वेश्चन आए नहीं। देखिए तभी तो मैंने पहले स्टार्ट किया बिल्कुल बेसिक जीरो से, आ गया ना क्वेश्चन बढ़िया, जो जिसमें फॉर्म बननी रही थी बनानी पड़ी और अपन ने बनाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा ही है, एक बार आप बनाने की कोशिश करना, नहीं तो मैं तो बना ही दूंगा फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हां 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू दे रखा है 6k, पूछ रहा है अपन से 4x² प्लस 1/9x² की वैल्यू बताइए। वीडियो को पॉज कर दो और एक बार आप करके देख लो।
उम्मीद करूंगा आपने पॉज किया होगा और करके देखा होगा। देखिए आप सॉल्यूशन देखिए इसका, इसका सॉल्यूशन मैं सोच रहा हूं कि यार ये भी क्वेश्चन तो गलत बन गया शायद, क्योंकि 3x है इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 तो आने वाला नहीं है, यहां पर 2x है इसका स्क्वायर करूंगा तो 9x है, 9 ये भी नहीं होगा, गलत छप गया क्या? अरे गलत तो नहीं छाप सकते भाई, गलत तो नहीं छपेगा। तो आंसर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, मैंने दिमाग लगाया कि मान लो अगर मैं इस पूरे पे, मुझे यहां पे 4 लाना है किसी भी तरीके से लाना है, और सॉरी यहां पे 2 लाना है, तभी तो जाके यहां पर 4 बनेगा। सबसे पहले इसको आप इसको ध्यान दो, आगे आगे वाली फंक्शन को, पीछे वाला अपने आप बन जाएगा। तो आगे वाले पे मैंने ध्यान दिया कि अगर मैं यहां पर इस 3 को हटा के 2 लिख दूं तो यहां पर 4 बन जाएगा, तो वो 2 कैसे बनेगा? तो 2 बनाने के लिए मेरे को लगा कि मैं इसको अगर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से 3 से 3 उड़ जाएगा, 2 अंदर चला जाएगा, तो वहां पर 4 हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, लेकिन इसने बोला मैं ऐसे कैसे कर रहे हो भाई गुणा, ऐसे नहीं करने दूंगा, इधर दिया तो मुझे भी दो। तो भैया ठीक है भैया ये लो, अब गणित बुरा नहीं मानेगी, बिल्कुल बुरा नहीं माना इसने कि भाई मैंने अगर 2/3 से गुणा भी किया है तो दोनों तरफ किया है। तो अब देखो ये कैसा रूप बन जाएगा, इसका रूप बन जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या बनेगा, 2 से ये वाला 2 कटेगा, बन जाएगा 1/3x। क्या बोलते हो, अंदर जाके गुणा होगा ना, बराबर ये बन गया 3 से, ये 2 बार कट गया, 2 × 2 = 4 हो गया। अब आपको लग रहा है ना कि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये रूप आ जाएगा, आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा, 3 का करूंगा तो 9 आ जाएगा। बस बन गया क्वेश्चन कि देखो अगर मुझे 4x² + 1/9x² की वैल्यू फाउंड करनी है तो मैं इस p को तो स्क्वायर करूंगा, -2 तो होता ही है, a क्या है अपना 2x है और b क्या है 1/3x है, ठीक है। तो क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, हाँ x से x कट रहा है, यहां पर आ रहा है 4 × 4 = 16 -2 × 2 = 4 और 4/3 कितना जाएगा, 16 × 3 करोगे 48 -4/3, तो क्या आंसर 44/3 आया था कि जिसने भी क्वेश्चन बनाया था, आंसर सही है 44/3, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। फॉर्म में चेंज करना सीख जाओगे तो बस जीत जाओगे, इस फॉर्म में कैसे बदलूं, और बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इस आगे वाली संख्या को पकड़ के रख लो, पकड़ के रख लो भाई, ये 4 है, इधर मुझे 4 लेकर आना है, तो यहां पर तो 3 है, अब मैं इस 3 को कैसे हटाऊं और 2 कैसे लाऊं कि मेरे को यहां पर 4 मिल जाए। तो मैंने सोचा कि भाई अगर मैं यहां पर 2 से गुणा करूंगा तो ये 3 तो फिर भी हटने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने 2 से गुणा किया, 3 से भाग लगाया, 2 से गुणा किया, 3 से भाग लगाया, 3 से 3 चला गया और 2 बच गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और देखिए ये आपको कहीं पे बुक पे नहीं मिलेंगे, ये अच्छे क्वेश्चन से बनाए हुए हैं, हैंडमेड क्वेश्चन हैं। अब देखिए लास्ट में अपन बस अंतिम चरणों पे हैं, हाँ ये क्वेश्चन तो अपने खत्म हो गए, अब अपन कल क्या करेंगे, कल करेंगे अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कुछ क्वेश्चन, ठीक है, और अपन ये भी करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जो बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि इसका क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, 6^32 -35 6² + 1 6^4 + 1 6^8 + 1 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं थोड़ा इधर, 6^32 -35 6² + 1 6^4 + 1 और 6^8 + 1 और 6^16 + 1 क्या यही क्वेश्चन है, हाँ 8, 4, 16 ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है ना तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या निकला, ठीक है। अपन अब कल करेंगे इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, अब देख लो लेवल कैसा चलेगा, देख लो अब आप लेवल बढ़ चुका है, इस क्वेश्चन को कई लोग तो देख के उड़ गए होंगे कि यार ये कैसे बनेगा, लेकिन आपको कल सिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज अपन सेशन यहीं तक रखेंगे, आज अपन ने काफी बेसिक डिस्कस कर लिया है, किस किस पर डिस्कस किया, अपन ने केवल डिस्कस किया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, केवल और केवल आज यही डिस्कस किया, और बहुत बढ़िया क्लास थी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो ना तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा।
नोटिफिकेशन अगर बेल को दबाएंगे तो आपको अगले सेशन की जो वो है नोटिफिकेशन वो टाइम पर पहुंच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, आराम से पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए अपना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।